Hello friends, welcome to Great Smasher. The topic is DNS, Domain Name System. Domain Name Systems या Domain Name Servers को हम क्यों यूज करते हैं? To map the domain names with the IP address. मतलब हम real life environment में daily basis पे हम बहुत सारी websites को, बहुत सारी web applications को open करते हैं, तो हम क्या डालते हैं? Let's say Google, Facebook, YouTube, क्या कभी आप IP address डालते हो? नहीं. हम हमेशा क्या डालते हैं? डोमेन नेम्स. तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि यूजर जो है वो हमेशा डोमेन्स नेम से याद रखता है, कभी भी आईपी एड्रेस से याद नहीं रखता. क्यों? रीजन क्या है? नेम्स को याद रखना आसान है क्योंकि हमारा माइंड जो है वो नेम्स या पिक्चर्स को इजीली कैप्चर कर लेता है, लेकिन नंबर्स को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है. जैसे मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है. क्या कभी हम आपस में कभी हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी कि यार ये आईपी एड्रेस ओपन करना? नहीं, कभी हमने ऐसी बात नहीं करते. लेट्स से दिस इज द आईपी एड्रेस और ये आईपी एड्रेस किसका है? क्रिक इन्फो. एज ए क्रिकेट लवर मैं क्रिकेट का ही यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ. क्रिक इन्फो डॉट कॉम का ये यहाँ पे आईपी एड्रेस है. तो ये आईपी एड्रेस से हम कभी ओपन नहीं करते, हम हमेशा क्या यूज करते हैं? डोमेन का नेम्स. तो सबसे पहला यहां पे डोमेन नेम सर्वर्स का या डोमेन नेम सिस्टम्स का यूज क्या है कि यूजर हमेशा डोमेन को नेम से याद रखता है, तो हमारे पास बहुत ही इजी रहता है सर्च करना किसी भी वेबसाइट को. तो ये आप ऐसे भी कह सकते हो ये फोन बुक की तरह काम कर रहा है. फोन बुक में क्या होता है? फोन बुक में भी कभी हम ऐसे नहीं बोलते कि वो नंबर किसका है, वो नंबर किस पर्सन का है. नहीं, हम पर्सन नेम याद रखते हैं और पर्सन नेम के अकॉर्डिंग हम अल्फाबेटिकली वहां पे डिक्शनरी में जाके या इवन फोन बुक में जाके हम पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. और दूसरा मेन रीजन यहां पे क्या है डीएनएस को यूज करने का, वो है कि जो एड्रेसेस हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, वो क्या होते हैं? वो डायनामिक होते हैं, कभी भी स्टेटिक नहीं है. जैसे अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो, लेट्स से xyz.com, आपने एक वेबसाइट बनाई और आपने इसको होस्ट कर दिया अमेज़न वेब सर्विसेज पे, आपने उसमें डेटाबेस परचेज किया, आपने होस्ट कर दिया, और वो होस्ट करने का मतलब क्या? आपको एक आईपी एड्रेस मिल गया. लेकिन सारे लोग आपको वो किस बेस पे सर्च करेंगे? वो एक्स वाई जेड के नाम से सर्च करेंगे, आईपी एड्रेस से सर्च नहीं करेंगे. लेट्स से कि एक या दो साल बाद आपने सोचा कि यार अमेज़न वालों ने सोचा कि आप उसका हम उसको शिफ्ट कर देते हैं किसी और आईपी एड्रेस पे, या आपको लग रहा है कि अमेज़न थोड़ा महंगा पड़ रहा है तो मैं किसी और वेब एप्लीकेशन को या किसी और वेब प्रोवाइडर्स को यूज कर लेता हूं, लेट्स से गोडैडी को. तो जब आपने उसमें शिफ्ट किया, आपका डेटाबेस तो सेम ही रहा, तो वहां पे आपकी जो वेबसाइट का नेम है वो एक्स वाई जेड, तो सारी दुनिया आपको एक्स वाई जेड से जानती है, आईपी एड्रेस से नहीं जानती. तो आपका आईपी एड्रेस इस केस में चेंज हो गया, लेकिन नेम चेंज नहीं होना चाहिए. अगर आपने वेबसाइट का नाम ही चेंज कर दिया, एक्स वाई जेड से एबीसी कर दिया, तो आपको एक नए तरीके से दोबारा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीबडी नोज यू अबाउट एक्स वाई जेड. तो यहां पे आईपी एड्रेस जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रहे हैं बैक एंड पे, लेकिन जो डोमेन का नेम है, जो डेटाबेस है, वो क्या होता है? सेम ही रहता है. हाँ, उसको अपडेट करते रहते हैं, लेकिन जो डोमेन का नेम है वो क्या होना चाहिए? सेम. सो दीज आर द मेजर टू रीजन कि हम डीएनएस को क्यों यूज करते हैं. नेक्स्ट, अगर हम इसमें बात करें कि हम यहां पे डोमेन नेम्स को डाल के यहां पे सर्च कैसे होता है. लेट से कि मैंने अपने सिस्टम में ब्राउजर ऑन किया और ब्राउजर पे मैंने लिखा, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, crickinfo.com. crickinfo.com लिखा, तो crickinfo.com जैसे ही मैंने यहां पे लिखा, होगा क्या? मैंने तो यहां पे डोमेन का नेम लिखा है, तो इस डोमेन नेम को पहले आईपी एड्रेस में मैप करना पड़ेगा. तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके लिए हमारे पास ये आर्किटेक्चर है और ये हेरेरिकल आर्किटेक्चर है, जिसमें होता क्या है, सबसे पहले रूट में है यहां पर रूट सर्वर, ये रूट नोड है. तो यहां से आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले कहां जाएगी? रूट सर्वर के पास जाएगी. इसके भी दो मेथड है, रिकर्सिव भी हो सकता है, आइटरेटिव मोड में भी काम हो सकता है. तो यहां पे हम रूट सर्वर पे सबसे पहले रिक्वेस्ट को जाएंगे और बेसिकली यहां पे हमारे पास जो है रिजॉल्वर का काम होता है, मतलब यहां पे बीच में रिजॉल्वर होता है. रिजॉल्वर का काम क्या है? इसको रिजॉल्व करना, इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना. तो सबसे पहले रूट सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी. और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि पूरी दुनिया में देयर आर 13 रूट सर्वर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो
तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले रूट सर्वर पे जाएगी और रूट सर्वर क्या करेगा, आपको एक आईपी एड्रेस देगा, आपको मतलब रिजॉल्वर को देगा एक आईपी एड्रेस, और वो आईपी एड्रेस किसका होगा, वो लोकेशन किसकी होगी, नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट लेवल कौन सा है, जेनरिक सर्वर्स का लेवल या फिर कंट्री सर्वर्स का लेवल। वहां पे क्या होगा, आपने डोमेन क्या सर्च की, crickinfo.com, तो यहां पे हमेशा जो रिजॉल्व करता है वो रिजॉल्व होता है राइट टू लेफ्ट, मतलब पीछे से हम रिजॉल्व करते हैं, तो .com यहां पे .com कमर्शियल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, .in इंडिया के लिए हम यूज करते हैं, कंट्री डोमेन है, मिलिट्री के लिए या एजुकेशन के लिए हम यूज करते हैं, अलग अलग डोमेन। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो किस सर्वर पे फॉरवर्ड हो जाएगी, वो .com वाले सर्वर्स पे जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो यहां पे हमारे जो एक तरह से किया क्या, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ट्रैफिक जो है वो, डिवाइड कर दिया, एक ही जगह सारा ट्रैफिक जाने की बजाय हमने बोल दिया कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इस लोड इस पूरे लिंक पे जाएगी, बाकियों पे जरूरत नहीं है। और ये जनरली ये .com सर्वर्स ये भी क्या होती है, एक एक सर्वर नहीं है, ये मल्टीपल सर्वर्स होते हैं ताकि जो लोड बैलेंसिंग इजिली हो सके। उसके बाद .com के बाद ये दूसरे लेवल के बाद हम जाते हैं .com से अथॉरिटेटिव सर्वर्स में। अथॉरिटेटिव सर्वर्स क्या है, ये सर्वर्स अपने पास स्टोर रखते हैं सारी की सारी आईपी एड्रेसेस एंड नेम्स। नेम्स क्या है, crickinfo, और crickinfo का आईपी एड्रेस क्या है वो ये सेव करके रखेगा। और ये भी हो सकता है कि crickinfo के मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हो, जैसे गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम एक सर्वर पे नहीं हो सकता। जैसे फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो फेसबुक के पास नियर मोर देन 70,000 सर्वर्स हैं, तो इतने सारे सर्वर्स हैं तो हो सकता है आईपी एड्रेसेस भी मल्टीपल हों, तो वो वन ऑफ द आईपी एड्रेस आपको चूज करके देगा और उस आईपी एड्रेस को आपको सर्च करना। तो मतलब आपकी रिक्वेस्ट कैसे चल रही है, सबसे पहले रिजॉल्वर के पास जा रही है, रिजॉल्वर रूट सर्वर पे जा रहा है और रूट सर्वर रिजॉल्वर को बोल रहा है कि ओके यू हैव टू गो टू द कमर्शियल, देन कमर्शियल के पास, कमर्शियल बोल रहा है कि ये ले लिंक मेरे से एड्रेस ले जा और उस एड्रेस पे चला जा अथॉरिटेटिव सर्वर वाले पे। तो वहां से रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है, अथॉरिटेटिव सर्वर पे, वहां पे जाके मुझे क्या मिल गया, आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस मैं रिजॉल्वर को दे दूंगा और वो रिजॉल्वर वापस मेरे ब्राउजर पे वो ले आएगा। अब ये तो हो गया, चलो रिजॉल्व होगी, मतलब हमारा नेम जो है वो आईपी से मैप हो गया। अब इसके बाद ये जो crickinfo है, लेट्स से ये crickinfo यूरोप में किसी कंट्री में वहां पे हमने होस्ट की हुई है, तो अब आपकी रिक्वेस्ट यूरोप जाएगी कि आपको जो डेटा, कोई भी मैच का स्कोर आपको चेक करना है तो वहां से आपका डेटा जो है वो आएगा। सो दिस इज हाउ द एक्चुअल में, ये जो है मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताया, रिकर्सिव और आइटरेटिव मोड को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया बताया कि DNS काम कैसे करता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये हायरार्किकल आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे जो डोमेन नेम है वो आईपी एड्रेसेस में मैप होती है। ऑल्दो हर बार हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो हमेशा क्या रखता है, कैश करके रखता है। कैश मतलब कैश मेमोरी में वो वैल्यूज को स्टोर करके रखता है, हमेशा आपकी रिक्वेस्ट रूट सर्वर पे नहीं जाती। जब हम किसी भी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम सर्च कर रहे हैं तो हमेशा रूट सर्वर पे जाती है, नेक्स्ट टाइम आपका जो ISP है वो अपने पास ही रख लेगा ताकि आपकी रिक्वेस्ट इतना ज्यादा टाइम ना लगाए, फटाफट वहीं से हम रिजॉल्व करते। तो DNS कैशिंग का कॉन्सेप्ट भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो रिकर्सिव एंड आइटरेटिव मोड भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो जो मेन मैथ, जो दो रीजन मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि वाई वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ DNS। थैंक यू।